इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल वानखेड़े स्टेडियम पे खेला जाएगा। इस मैच में जो जीतेगा वो फाइनल में अपना स्पॉट पक्का करेगा, पर जो हारेगा वो खाली हाथ लौटेगा। इंडिया और न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप में ऑलरेडी एक मैच खेल चुके हैं, जिसमें इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। वो मैच में केन विलियमसन नहीं खेल रहे थे। केन विलियमसन का कमबैक मैन इन ब्लू को खतरे में डाल सकता है, लेकिन इंडिया भी इस वर्ल्ड कप में अनबीटन रही है। लीग स्टेज में टॉप फिनिश किया। इंडियन बैटिंग लाइनअप भी बहुत फॉर्म में चल रही है। इंडियन बॉलर्स जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज इस मैच में एक बैकबोन रोल प्ले करेंगे। जब बात न्यूजीलैंड की आती है तो केन विलियमसन का फॉर्म वानखेड़े में होने वाले क्लैश में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। सबसे मेन प्लेयर जो फोकस में रहेंगे वो रहेंगे रचिन रविंद्र, जिन्होंने अपने डेब्यू वर्ल्ड कप सीजन में 563 रन बनाए हैं और 70.62 का एवरेज मेंटेन किया है। रिकॉर्ड के मुताबिक ये इकलौते प्लेयर है जिन्होंने अपने फर्स्ट वर्ल्ड कप में 3 सेंचुरीज बनाए हैं। पिच एंड वेदर कंडीशंस। जिस पिच पर यह मैच खेला जाएगा वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल पिच है। बैटिंग फर्स्ट में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में कुछ अलग ही हुआ, लेकिन सेम पिच पर जब इंडिया और श्रीलंका खेल रही थी तब इंडिया ने श्रीलंका को 357 रन का टारगेट दिया और 55 रन पे ऑल आउट किया। इस मैच के दौरान एवरेज टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा और थोड़ी हेजीनेस की उम्मीद है।